हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली आज करने वाले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के गन मेंटल का कंप्लीट रिव्यू। इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट में आप इस बाइक को खरीद सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी, सारी चीज़ आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं अपनी गन मेंटल क्लासिक 350 के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में गन मेंटल का कंप्लीट रिव्यू। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए थे भाई मैंने रॉयल एनफील्ड की वीडियो नहीं बनाई है और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई गन मेंटल 350 का रिव्यू लेकर आओ, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेरे नए चैनल पर ये तो पहला ही वीडियो होने वाला है। सो दोस्तों इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट में आप इस बाइक को खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। मतलब दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप क्लासिक 350 लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस बाइक के बारे में आपको कंप्लीट चीज़ें बताने वाला हूँ प्राइस के साथ में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं रॉयल एनफील्ड के बारे में, यानी कि क्लासिक 350 के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसा कितना है। जितना हमारे पास बजट होता है, जितना हमारे पास पैसा होता है, उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। ये आपको एक्सरूम प्राइस अराउंड आपको मैं बता रहा हूँ 2,17,000, 2,17,000 रुपये के आसपास की आपको ये एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,53,000, 2,53,000 रुपये के आसपास की आपको ये ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए रिव्यू में आते हैं, सबसे पहले देख पाते हैं बाइक की फ्रंट लाइट। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें आपको जो DRR लाइट मिलती है रॉयल एनफील्ड में, वो आपको बल्ब देखने को मिलती है। और आई थिंक मेरे हिसाब से ये शायद इकलौती ऐसी बाइक बची है जिसमें आप लोगों को बल्ब DRR लाइट मिलती है। आई थिंक NS में भी मिलती है, बाकी बहुत ऐसी कम बाइक होगी जिसमें आपको जो DRR लाइट है वो बल्ब मिले, नहीं तो ज़्यादातर LED का यूज़ किया जाता है आज की जनरेशन में। मेन लाइट के बारे में बात करें तो मेन लाइट में आपको बाइक में राउंड शेप में फुली हेलोजन लाइट जो है बाइक में देखने को मिलता है, और बाइक की जो लाइट विजिबिलिटी है ना भाई, वो आपको बहुत बेहतर मिलेगी। जी हाँ, इसकी जो लाइट विजिबिलिटी है वो बहुत तगड़ी है, आपको कोई एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। टर्न सिग्नल लैंप जो है वो भी आपको इसमें बल्ब देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में आप लोग देख पा रहे हैं बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि 41mm के सस्पेंशन है। आपको बता दूं ये काफ़ी कंफर्टेबल है। जी हाँ, काफ़ी कंफर्टेबल जो है आप राइड कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड की बाइक फेमस भी भाई उनकी कंफर्ट की वजह से ही है। बात करें टायर साइज़, तो फ्रंट में आपको बाइक में 190 के टायर मिलते हैं। बात करिए ब्रेकिंग के बारे में, दोस्तों ध्यान रखिए इस वाली मॉडल में आपको डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ये ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS यहाँ पे यूज़ किया गया है। और अगर बात करिए प्लेट साइज़ के बारे में, तो फ्रंट में आपको 300mm की जो प्लेट है वो फ्रंट में आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है, जो कि बाइब्रे की ब्रेकिंग यूज़ की गई है, विच इज़ वेरी नाइस। बहुत अच्छी होती है इनकी ब्रेकिंग, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। आपको क्लियर कर दूं, ये सेकेंड जनरेशन इंजन है इनका। इनका फर्स्ट जनरेशन इंजन जो आता था उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन थे, बट ये वाला जो इंजन है बहुत ही कम वाइब्रेशन आपको इसमें मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन में आपको 349cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें पावर के बारे में, तो ये 20.2 के आसपास का PS पावर जनरेट करता है, जो कि 6,100 RPM में पावर जनरेट करती है, एंड मैक्सिमम टॉर्क में 27 का इंटरमीटेंट टॉर्क है, जो कि 4,000 RPM में पावर जनरेट करती है। अब देख लीजिए कितनी अच्छी पावर इंजन टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल रही है, और मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छी पावर आपको बाइक में मिलती है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, परफॉर्मेंस जो है बाइक की बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलती है, टॉर्क ज़्यादा इस बाइक में, ठीक है। बाइक की बोर साइज 72mm की है, स्ट्रोक साइज 85.8mm की है। बाइक की जो फ्यूल सिस्टम है वो आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है। प्लस आपको बताना चाहूँगा बाइक में आपको नंबर ऑफ पाइप्स, यानी कि पाइप जो 5 गियर आपको बाइक में मिलते हैं। प्लस आपको बता दूँ इस बाइक में आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट जो क्लच है वो देखने को मिल जाता है।
सो ये था दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। हालांकि आप इस साइड से भी इसका लुक देख लीजिए, कुछ इस टाइप का लुक आपको इस साइड से इसके इंजन का देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे एक ब्लैक कलर भी खड़ा है, ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से भी आप इसे देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का जो लुक आपको इसका देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में कि बाइक आपको क्या माइलेज निकाल कर देगी। अब ऑब्वियसली बात है, आजकल आपको पता ही है कि पेट्रोल का प्राइस क्या हो चुका है इंडियन मार्केट में। तो अगर माइलेज के बारे में बात करें तो ये आपको अराउंड 35 के आसपास का जो माइलेज है इजिली आपको ये निकाल कर दे देती है। बाकी डिपेंड करता है दोस्तों फिर कि माइलेज क्या निकाल के देगी। हर किसी के राइड करने का जो तरीका होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। ये अराउंड इतना माइलेज तो आपको निकाल कर दे देगी 35। 0-100 में इस बाइक को लगभग 15 यानी कि 15 सेकेंड लगते हैं। देन इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो आपको अराउंड मिलेगी 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास, 120 से 130 के आसपास की टॉप एंड ये जाती है। रियर में आते हैं, बात करते हैं रियर सस्पेंशन के बारे में। तो रियर में आपको बाइक में डाउन ट्यूब सस्पेंशन मिलता है विच इज़ वेरी नाइस सस्पेंशन। रियर में आपको बाइक में 120/80 के टायर मिलते हैं, प्लस आपको जो रियर ब्रेकिंग प्लेट मिल रही है वो देख रहे हैं इस साइड से आपको अच्छी तरीके से दिखेगी। ये प्लेट साइज जो है काफ़ी बड़ी है, ये 270mm की 270mm की डिस्क प्लेट है। और आपको बता दूं मुझे लगता है कि भाई रॉयल एनफील्ड एक ऐसी बाइक है जो कि सबसे बड़ी रियर डिस्क प्लेट प्रोवाइड करती है। किसी और कंपनी में आपको इतनी बड़ी डिस्क प्लेट नहीं मिलने वाली, ठीक है। बात कर लें इसकी सीट्स के बारे में, तो बाइक में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है और सीट क्वालिटी भी जो है आपको बहुत बेहतर दी गई है, देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी सीट मिलती है। चलिए बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले आप की देख लीजिए, इस टाइप की आपको बाइक में मिलेगी। स्पीडोमीटर में दोस्तों बाइक में आपको देख पा रहे हैं एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जो कि इस जनरेशन में चेंज किया गया, वरना लास्ट टाइम तो भाई ये फुली एनालॉग ही आता था। फीचर क्या क्या है, ये यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, इंजन मालफंक्शन लाइट, एबीएस लाइट है, ट्रिपन है, सर्विस रिमाइंडर भी है, यहाँ पे आपको ओडोमीटर है, और क्या मिलता है, क्लॉक भी आपको बाइक में मिल जाता है। मतलब फीचर जो है इस बार काफ़ी सारे दिए गए हैं। स्विचेस में ये पासिस है, टर्न सिग्नल लैंप, हॉर्न, इंजन किल स्विच, सेल्फ का स्विच, बाइक सॉरी हजार्ड का स्विच आपको इसमें मिल जाता है। ये बाइक के मिरर है जो कि आपको बाइक का व्यू काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेंगे। बात कर ली दोस्तों इसकी वेट के बारे में, तो बाइक का जो वेट है वह 195 का इसका कर वेट है, काफ़ी वेट है बाइक का नो डाउट। 805 के आसपास की इसकी सीट हाइट होगी, आपकी हाइट अराउंड 5.4 या उससे ऊपर है तब आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। बाकी अगर बात करें इसकी ब्रांडिंग के टेल लाइट के बारे में, तो टेल लाइट का पहले आप लुक देख लीजिए, कुछ इस टाइप का टेल लाइट का आपको लुक मिलता है। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे आपको क्लासिक 350 की ब्रांडिंग मिलती है, और यहाँ पे भी आपको एक रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है, प्लस इंजन में भी आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है। और फ्रंट से लुक देखें तो कुछ इस टाइप का जो लुक है इस बाइक का आता है। सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्लासिक 350 कैसी लगती है, क्योंकि इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाइक्स में से एक है, लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप आई थिंक इस बाइक को लेने की सोच रहे हो तो ज़रूर आपको इस बाइक के साथ में जाना चाहिए। इसका लेडीज़ फुटरेज है और रियर फुटरेज भी देख पा रहे हो कितनी अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू क्लासिक 350 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।